Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of Food Safety and Standard Act 2006, which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai MS Nestle India Limited versus Food Safety and Standard Authority of India. Ye 2015 ka case hai. Ab is case ke fact, issue aur observation pe aate hain. Is case ke fact ye hai ki is case mein jo petitioner company hoti hai wo Maggi noodles aur iske 9 variant product jo ki India mein hote hain उसकी मैन्युफैक्चरर होती है. और जब ये जो पेटिशनर कंपनी होती है मीडिया रिपोर्ट में ये देखती है कि उसके प्रोडक्ट में एक्सेस लीड होने की बात बताई जा रही है, तो पेटिशनर कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ले लेती है 4 जून 2015 को. और कंपनी ये कहती है कि जब तक इस पर से सारे एलिगेशन नहीं हट जाते हैं तब तक जो है उसके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएंगे. लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो होते हैं वो मीडिया रिपोर्ट और साथ ही साथ फूड एनालिस्ट के रिपोर्ट के ग्राउंड पर मैगी नूडल्स और उसके 9 जो अलग वेरिएंट प्रोडक्ट थे उस पर बैन इम्पोज कर देते हैं कि आप पर बैन लगाया जाता है. और उस बैन का 2 ग्राउंड होता है. पहला ग्राउंड ये होता है कि आपके प्रोडक्ट में जितना भी जो परमिसेबल लिमिट है लेड का उससे ज़्यादा पाया गया है, पहला ग्राउंड ये रहता है. दूसरा ग्राउंड ये रहता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को मिस ब्रांड किया है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में लिखा गया है नो एडेड MSG लेकिन आपके प्रोडक्ट में MSG पाया गया है. MSG का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट. अब आते हैं इस केस में पेटिशनर के कंटेंशन पे. पेटिशनर जो कंपनी होती है वो अपना कंटेंशन डालती है कि ये जो हम पे बैन जो इम्पोज़ किया गया है वो सेक्शन 34 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कंसर्न अथॉरिटी हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह के का प्रोहिबिशन लगा सकते हैं. लेकिन साथ साथ कंपनी ये भी कहती है कि ये जो सेक्शन 34 जब हम पर इम्प्लाई किया गया तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम यानी कि लिसन टू द अदर साइड के साथ होना चाहिए था, लेकिन हमें तो कोई मौका दिया ही नहीं गया. तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है. जबकि दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट होते हैं यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ साथ स्टेट ऑफ बॉम्बे, वो अपना कंटेंशन ये डालते हैं कि पेटिशनर जो है वो अपने सारे प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ले रहा था और वहाँ मार्केट से वापस लेकर के उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था, बर्न कर रहा था. तो वो अपने एविडेंस को ख़त्म कर रहा था और ताकि उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन ना लगाया जा सके. और साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने ये जो बैन का जो इम्पोजिशन लगाया है वो सेक्शन 34 यानी कि सेक्शन 34 में इस तरह के इम्पोजिशन की बात की गई है, तो हमारा जो इम्पोजिशन है पूरी तरह से वैलिड है. तो अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे. कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि जो रिस्पोंडेंट हैं स्टेट या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको कोई भी एक्शन लेने से पहले जो पेटिशनर कंपनी है उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि कंपनी ये प्रूव करे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है. लेकिन उसने यानी कि जो रिस्पोंडेंट ने है वो अननेसेसरी इम्पोज लगा दिया नेशन वाइड. तो ये जो है गलत है. और साथ साथ कोर्ट ये भी कहती है ये जो रिस्पोंडेंट का जो ऑर्डर है यानी इम्पोजिशन यानी बैन जो मैगी नूडल्स पर लगाया गया है वो पूरी तरह से जो है वो आर्बिट्रेरी मैनर पे किया गया है, तो इस बैन को कोर्ट जो है वो हटा देती है. कोर्ट आगे ये कहती है कि जो सेक्शन 52 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का वो मिस ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट की बात की करता है और उसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 52 के तहत पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांड फूड की बात की गई है. लेकिन कोर्ट आगे यह भी कहती है कि मिस ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर बैनिंग द प्रोडक्ट इनडेफिनेटली, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रोडक्ट को मिस ब्रांड करता है तो फिर उसके प्रोडक्ट को इनडेफिनेट टाइम के लिए बैन नहीं किया जा सकता है. लेकिन इस केस में क्या है, रिस्पोंडेंट ने बैन कर दिया है, तो कोर्ट इसे गलत ठहराती है. और कोर्ट जो है फाइनल कंक्लूड ये करती है कि जो पेटिशनर कंपनी है वो मैगी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसके जो अलग 9 वेरिएंट है उसको भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैन्युफैक्चर होगा तो उसके लिए फ्रेश टेस्ट किया जाएगा और ये जो फ्रेश टेस्ट होगा वो 3 अलग अलग जो लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा
6 हफ्ते के अंदर, और वो टेस्ट का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के ग्राउंड पे ये तय किया जाएगा कि आपको आगे मैन्युफैक्चर करने दिया जाए या नहीं जाए। यानी कि ये जो 3 लेबोरेटरी हैं वहाँ से टेस्ट आपका जब हो जाएगा तो फिर उस टेस्ट की रिपोर्ट के ग्राउंड पे ही आपको अलाउ किया जाएगा या फिर आप पर बैन लगाया जाएगा। लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो वर्तमान में मैगी नूडल्स बिक रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 लेबोरेटरी के जो टेस्ट आई थी वो मैगी नूडल्स यानी कि नेस्ले के फेवर में आई होगी, इसलिए प्रेजेंट में मैगी जो है वो उस पर बैन इम्पोज नहीं किया गया। यानी कि कोर्ट जो है फाइनली अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के आधार पर उस बैन को फाइनली हटा देती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।